स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है, ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो। मैं अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार जोहार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में हम आपको दिखाते हैं झारखंड में क्या क्या विकास के कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। लोगों को रोजगार मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें से कुछ योजनाएं किसानों के लिए हैं और कुछ योजना युवाओं के लिए हैं और बहुत सी योजना महिलाओं के लिए हैं, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें से एक योजना है अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना के तहत जो भी महिलाएं खुद का कैटरिंग का बिजनेस करना चाहती हैं वो अन्नपूर्णा योजना की मदद ले सकती हैं। अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को 50,000 का लोन दिया जा रहा है, जिसे चुकाने की अवधि है 36 महीने, यानी आप 3 साल में इसे चुका सकती हैं। तो आप भी अन्नपूर्णा योजना से लाभान्वित होइए और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको लेके चलते हैं सिल्ली प्रखंड के टुटकी गाँव, जहाँ केंद्र सरकार के SBEP और JSLPS से सहयोग से जुड़कर भानुमती अगरबत्ती का निर्माण कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। झारखंड में ग्रामीण महिलाएं आर्थिक समृद्धि की राह पर लगातार आगे बढ़ रही हैं। ये महिलाएं समूह बनाकर खुद आत्मनिर्भर तो हो ही रही हैं, दूसरों को भी रोजगार देकर उन्हें स्वावलंबन की राह दिखा रही हैं। यह देश भर की उन ग्रामीण महिलाओं के लिए भी संदेश दे रही हैं कि महिलाएं अगर ठान ले तो गरीबी को मात दी जा सकती है। सवाल आस्था का हो या फिर माहौल को खुशगवार बनाने का, अगरबत्ती का बड़ा अहम रोल होता है। आज यही अगरबत्ती कई महिलाओं के जीवन में खुशियों की खुशबू बिखेर रहा है। इस अगरबत्ती ने समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया है। इसी तरह अगरबत्ती बनाकर अपने जीवन को खुशियों से महकाने का काम कर रही हैं सिल्ली के टुटकी गाँव की भानुमती देवी। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में झारखंड में हो रहे विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी क्रम में हम आप पहुंचे हैं रांची जिले के सिल्ले प्रखंड के नवाडी गांव में, जहां पे भानुमती नाम जी की एक ऐसी महिला हैं जो अगरबत्ती बनाकर अपने जीविकोपार्जन का कार्य कर रही हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि कब से अगरबत्ती बना रही हैं और उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। आइए हम भानुमती जी से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं समूह में जुड़ी, उसके बाद मेरा दिमाग में आया कि हम कुछ करें। तो कुछ करें मैंने कौन सा ऐसा बिजनेस है कि जो सब दिन मैंने व्यवहार हो, सुबह शाम ये मैंने उसका ज़रूरत पड़े। तो जैसे कि एक हमको ये लगा कि अगरबत्ती तो सुबह शाम हर पर्व त्यौहार सुख दुख हर समुदाय के लोगों के घर में जलते हैं। तो हम सोचे कि इसी को क्यों ना हम अपनाएं। तो 2016 से जब JSLPS से मशीन से काम किया जा रहा था, जो मैनुअल मशीन से उसमें हम काम कर रहे थे, तो जैसे कि महिला लोग को चलाने का कोशिश किए तो नहीं चला। तो फिर हम अपने से 2018 में समूह से लोन लेके, SBP से लोन लेके हम ये मशीन अपने से खरीदारी किए। दीदी, अब 2016 से जो है ये अगरबत्ती निर्माण का कार्य कर रही हैं, 2016 से पहले क्या करती थी? 2016 से समूह में जुड़ के जैसे कि छोटा छोटा समूह को ट्रेनिंग दे रहे थे, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई और भी बहुत सा मैंने रोजगार संबंधी। तो मतलब कह सकते हैं कि 2016 से पहले भी रोजगार के लिए बहुत सारे आप कार्य करते थे, ट्रेनिंग देते थे। 2016 से आप अगरबत्ती निर्माण के कार्य से जुड़ी हुई हैं। तो दीदी, आपका JSLPS से जुड़ाव कब से हुआ है? 2004 में हम जैसे कि समूह में आए, समूह को जब JSLPS का ये हुआ ना संजीवनी थ्रू, उसके बाद हम लोग को संजीवनी में लेन देन बोला कि इस तरह कीजिए। पहले तो समूह था, महीना में बैठक होता था, तो जब JSLPS आया, संजीवनी आया, तो साप्ताहिक बैठक कीजिए, इस तरह आप लोग को सरकार की ओर से समूह को ऋण लेन देन करेंगे। आज केंद्र सरकार के SBEP योजना से जुड़कर भानुमती अगरबत्ती बनाकर खुद को आत्मनिर्भर बना रही है और इस कार्य के जरिए अच्छी आमदनी भी कमा रही है। साप्ताहिक बैठक करने लगे, फिर उधर से JSLPS का थ्रू CC लोन, बहुत सा ऐसे ये लोन है छोटा से मैंने 10,000 से शुरू लेके 5 लाख 10 लाख इस तरह का है। तो जैसे हम CC लोन लिए,
सीसी लोन भी लिए, मैंने कई एक बार हम समूह से भी लोन लिए और JSLPS थ्रू जो हम लोग का सीसी लोन बोलते हैं वो भी हम लोग 3 लाख लेके काम किए। कह सकते हैं कि 2004 से आपका JSLPS से जुड़ा हुआ और उसमें से आप रोजगार के लिए कार्य कर रहे हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। 2004 से पहले की बात करते हैं, उसके पहले आप क्या करते थे? उससे पहले वही सिलाई कढ़ाई बुनाई कर रहे थे, लेकिन उसमें मेरा मन नहीं भरा कि हम ऐसा बिजनेस खोज रहे थे कि हम अपने अलावा और दूसरों को भी रोजगार दे सके, दूसरों को भी हम आगे ले जा सके और भी महिला लोग को जुड़ के हम उसमें उन लोग को अपना रोजगार रोजी रोजगार के लिए जुड़ सके। तो हमको यही एक बिजनेस लगा कि इसमें हम जितना मेरा पूंजी रहेगा उतना हम लोगों को काम में लगाया जा सकते। तो मन में इच्छा थी कि खुद भी रोजगार करे और दूसरों को भी दे जुड़े। हाँ। तो आप यहाँ परिवर्तन निर्माण का कार्य कर रही हैं। पहला बताया कि मैनुअल काम करती थी, अब जो है मशीन के माध्यम से काम कर रही हैं। तो मैनुअल काम और मशीन से जो काम कर रही हैं दोनों में अंतर कितना महसूस कर रही हैं? मैनुअल काम में जैसे कि आप फिलहाल अकेले कर सकते हैं, उसमें प्रोडक्शन कम होगा तो अकेले काम चलेगा, लेकिन ये जो ऑटोमेटिक मशीन है इसमें आपका 3 आदमी का जरूरत पड़ता है एक मशीन में। जैसे कि कोई अभी मैंने मसाला बनाएंगे, कोई अभी इसको सुखाएंगे, अभी जैसे हम अभी बना रहे थे यहाँ, तो अभी हम ख़त्म हो जाएगा तो फिर उठ के हमको मसाला बनाना है, तो समय तो ये होगा, तो फिर इसीलिए एक जन मसाला बनाएगा, फिर इसको सुखाने के लिए फिर एक जन का जरूरत, 3 जन का यहाँ काम है एक मशीन से। तो ये मशीन जो हम देख रहे हैं, ये मशीन खरीदने में काफ़ी पैसा आपको लगा होगा। कितने का मशीन है ये मशीन? फिलहाल हमको घर तक हमको 1 लाख लगा। 1 लाख? 95,000 और 5,000 यहाँ आके फिट कर दिया। 1 लाख रुपये में पूरा सारा मशीन तैयार हो गया काम करने। तो ये कैसे खरीदी, क्योंकि एक महिला के लिए 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बात है। एक समूह से हम 50,000 लिए और SBP जो है ना हम लोग का JSLPS SBP से हम 50,000 लिए थे, उसी से ही खरीदे। फिर और हम मैंने 1 लाख अपना समूह से ही लेके रॉ मटेरियल सारा चीज पूंजी लगाए। मतलब कह सकते हैं कि 2 लाख रुपया आपको लगा, 1 लाख रुपया मशीन खरीदने के लगा और 1 लाख रुपया कच्चा माल लगा, 2 लाख रुपया लगा इस बात से अगरबत्ती का निर्माण शुरू कर दिया। वैसे तो होलसेलरों के हाथ से होकर इस अगरबत्ती की महक आज बाजारों में फैल रही है, लेकिन समय समय पर सरकार की ओर से लगने वाले हस्तकरघा और व्यापार मेला इनके उत्पाद को खपाने का बेहतर अवसर होता है। देखा जाए तो सिर्फ भानुमति ही नहीं बल्कि इस काम से जुड़ी दूसरी महिलाएं भी महीने के 5 से 10 हज़ार आराम से कमा लेती हैं। चारकोल पाउडर होता है, एक रहता है गम पाउडर, एक रहता है वुड पाउडर लकड़ी का बुरादा, ये तीनों मिक्स करके, तीनों माने मात्रा है मिक्स करके, और प्रीमिक्स, इसका जो प्रीमिक्स आता है हम प्रीमिक्स मंगाते हैं, अलग अलग ये में मिलता है तो अलग अलग मंगाएंगे तो हमको ज़्यादा ये पड़ेगा, एक बोरा का 200 इस तरह का भाड़ा ले लेता है, तो क्यों ना हम प्रीमिक्स उसमें सब कुछ मिक्स किया हुआ है तीनों चीज़, खाली हम यहाँ ला के गम पाउडर मिलाते हैं चीट वाला। अच्छा, तो इतना सारा कच्चा माल किसमें आवश्यकता पड़ती है? अगरबत्ती की बात करते हैं तो बाजार में काफ़ी सारे अगरबत्ती हैं, अलग अलग सेंट के हैं, किसी का कोई वुड सैंडल है, किसी का कुछ जैस्मिन है, अलग तरह के उसमें सुगंध निकलते हैं, तो सुगंध के लिए क्या करती हैं इसमें? सुगंध के लिए हम जैसे कि मार्केट में अभी अगल बगल जो सेंट ज़्यादा चलता है वो लोग जो मांग करता है वही हम सेंट ला के पैकेटिंग करके उन लोग को फिर पहुंचा देते हैं। तो इत्र उसके लिए अलग से मिलाया जाता है? अलग से, उसमें फिर हमको एक केमिकल मिलाया जाता है जिसका नाम है DP ऑयल बोलते हैं, उसमें हम सेंट मिलाते हैं 4 लीटर, जैसे कि DP ऑयल लिए 1 लीटर सेंट लिए, उसमें उसको फिर अच्छा से फेंट करके और फिर हम अगरबत्ती को हाफ हाफ किलो का बंडल बना के उसमें फिर डिपिंग करते हैं, माने डुबा देते हैं पूरा, उसको फिर रख देते हैं, थोड़ा सेंट निकल जाता है उसको 2-4 घंटा के बाद फिर उसको पैकेटिंग करते हैं। ये तो सुगंध के लिए आप ये करती हैं। हाँ। दीदी आप तो पहले मैनुअल काम करती थी, अब मशीन से काम करती हैं, तो अगर हम प्रतिदिन की बात करते हैं, प्रतिदिन कितना बना लेती हैं, कितना स्टिक तैयार हो जाता है? मशीन तो 1 घंटा में 5 किलो लाइन रहेगा तो 5 किलो, अगर 8 घंटा चलेगा तो हम 50 किलो कहीं नहीं जाएगा, निकल जाएगा। दीदी ये तो आपने अगरबत्ती निर्माण की बात बताई कि किस तरीके से आपने शुरुआत किया, शुरुआत में आप मैनुअल काम करती थी लेकिन आज मशीन से आप पहुंच गए और कहीं के JSLPS का काफ़ी आपका सहयोग रहा है जिसके माध्यम से आप यहाँ तक। हाँ, हम JSLPS संजीवनी और खास करके हमारे यहाँ जो विधायक है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के थ्रू इतना सारा महिला लोग का रोजगार, मैंने जिसका जिसमें इच्छा हुआ वही में आगे बढ़ी और अभी अपना रोजगार चला रही है। अगर आप व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? हम एक मध्यम परिवार के बेटी थे तो मैट्रिक तक ही पढ़े हैं,
और उसके बाद फिर आगे नहीं पढ़ाई कर पाए एकदम। मैंने जहाँ मेरा मायके है वहाँ गांव देहात है, गाड़ी घोड़ा बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, इसलिए मैट्रिक तक ही पढ़ाई की। उसके बाद शादी ही इसलिए मैंने झारखंड ही है, यहाँ शादी हुआ तो फिर आगे और क्या। शादी के बाद तो फिर मैंने अपना घर का काम ही, हाँ, इसलिए अपना जैसे कि बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई सब देखना पड़ता है। अगरबत्ती बनाने का काम महिलाओं के लिए बहुत सरलता से अपनाया जाने वाला काम है। इस काम में ज्यादा पूंजी भी लगानी नहीं होती, साथ ही प्रशिक्षण लेकर इसे आसानी से शुरू किया जा सकता है और इसे अच्छी आमदनी का जरिया मिल जाता है। बनमत्ती को मैं जानता हूँ 2012 से जान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम चला था जैसे पेश के माध्यम से, जिसे मैं बनमत्ती जी छोटे छोटे कामों पे हर हमेशा करते थे, ब्यूटी पार्लर करते थे, सिलाई करती थी, इसलिए मैं उन्हीं उसी समय से मैं इनको जानता हूँ। बनमत्ती जी से बात हो रही थी, वो बता रही थी कि SBEP कार्यक्रम से जुड़कर अपने अगरबत्ती उद्योग को खड़ा किए हैं, तो ये SBEP क्या है? सर ये SBEP है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, ये जो ये भारत सरकार के कार्यक्रम को चलाया जा रहा है यहाँ झारखंड में हम लोग का, और खासकर रांची जिला में सिल्ली और अनगढ़ में चल रहा है। तो कार्यक्रम क्या है, इसमें सरकार किस तरीके से लाभों को लाभ देती है और किस तरीके से महिला से लाभान्वित हो सकती है, कौन कौन से कागजात चाहिए, कितने पैसे से मिल सकता है और किस तरीके के और छोटे छोटे काम कर सकती है? ये SBEP जो है महिलाओं को विशेषकर जो भी अपना जो भी बिजनेस करना है उसके लिए उनकी इच्छा के अनुसार, जो दीदी को चाहिए कि हम ये बिजनेस करेंगे तो ये बिजनेस जो है दीदी के माध्यम से उनका योजना बनाया जाता है, बिजनेस प्लान बनाया जाता है कि हम ये बिजनेस करेंगे, और SBEP के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि वो दीदी को कितना पैसे की ज़रूरत है। हम लोग ज़्यादातर 50,000 रुपया उनको ये प्रोग्राम के लिए देते हैं पैसा। तो SBEP के माध्यम से अधिकतम कितना पैसा मिल सकता है? अधिकतम हम लोग 50,000 रुपये देते हैं। अधिकतम 50,000, क्योंकि उनका बिजनेस कुछ पैसा उनको लगाना पड़ता है, जो भी योजना बनती है जो भी बिजनेस करेंगे उनका क्या लगाता है, क्या काम करेंगी, उसके आधार पर उनका बिजनेस प्लान बनाया जाता है, लेकिन खासकर हम लोग 50,000 रुपये देते हैं उनको। तो देखा आपने किस तरह केंद्र सरकार महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं निकाली हैं जिससे महिलाएं रोजगार से जुड़ सके और आत्मनिर्भर बन सके, और महिलाएं आज आत्मविश्वासी भी बन रही हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जोहार। विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर।